हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, चौधरी साहब, आदरणीय अशोक गहलोत साहब, सभी हमारे CWC के मेंबर, हमारे सभी सांसदगण, प्रदेश अध्यक्षगण, सभी हमारे CLP लीडर, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, आदरणीय साथियों, मैं आपके और राहुल जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। मैं दो तीन बातें आपसे कहूंगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल जी लगातार किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटे व्यापारी के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आज महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल का नारा उन्होंने दिया है। लेकिन देश का दुर्भाग्य, सत्ता में बैठे हुए लोग महंगाई कम करने का काम नहीं करते, बेरोजगारी दूर करने का काम नहीं करते, उनका केवल एक लक्ष्य है राहुल गांधी को रोकना और राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। आज बात हो रही है रेवड़ी की बात करते हैं। यदि अशोक गहलोत जी, यदि कमलनाथ जी, यदि छत्तीसगढ़ में राहुल जी के कहने से किसानों के ऋण माफी होता है तो ये रेवड़ी की श्रेणी में लाते हैं। कभी 10 लाख तक के यदि गरीबों का इलाज मुफ्त में करते हैं अशोक गहलोत जी तो वो रेवड़ी की श्रेणी में है। गरीबों को मुफ्त में राशन हम देते हैं तो वो रेवड़ी की श्रेणी में आता है। यदि हम लघु उपज खरीदते हैं तो वो रेवड़ी की श्रेणी में आते हैं। जब हम कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के हक में लड़ाई लड़ते हैं तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग इसे रेवड़ी कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि केंद्र में कांग्रेस UPA की सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया, ये रेवड़ी की श्रेणी में है, तो मैं इस सत्ता में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप 10-20 बड़े उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ रुपया माफ करते हैं तो वो रेवड़ी नहीं, ये रबड़ी है, रबड़ी, ये रबड़ी बांटने का काम करते हैं। और हम जो गरीबों, किसानों, मजदूरों के हक में फैसला करते हैं उसे रेवड़ी कहते हैं। अरे हम श्रम का सम्मान करने वाले लोग हैं, मेहनत का सम्मान करने वाले लोग हैं और ये मेहनत का अपमान करने वाले लोग। आज महंगाई, एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरे तरफ लोगों की आय में कमी होती जा रही है, दोनों तरफ से मार लोगों को पड़ रही है और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और कांग्रेस के नेता राहुल जी लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, राहुल जी इस रामलीला मैदान में जब जब हुंकार उन्होंने भरा है, सरकार को पीछे हटना पड़ा है, चाहे वो किसानों के जो UPA सरकार में मुआवजा का प्रकरण लाया था, 3 बार अध्यादेश लाके से वापस करना पड़ा। राहुल जी ने कहा ये 3 काले कानून है, 1 साल के भीतर में वापस करना पड़ेगा और राहुल जी की बात सही साबित हुई और केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा है। आज बेरोजगारी और महंगाई के बारे में इस रामलीला मैदान में राहुल जी हुंकार भर रहे हैं। मेरा दावा है कि केंद्र सरकार ये महंगाई भी रोकने के लिए बाध्य होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करते हुए महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल करने के लिए देश के कोने कोने से आप सब आए, आप सबका नमन करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए अपने वाणी को ही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। गुरुओं, पीरों, पैगंबरों और सूरवीरों की भूमि से आते हुए हमारे साथी प्रताप सिंह बाजवा जी से विनती करूंगा कि आइए और 3 मिनट के अंदर अपनी बात रखिए।